वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूँ डिम्पल और स्वागत करती हूँ आपका डिम्पल्स किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं पनीर मखनी पिज्ज़ा। किस किस को पनीर मखनी पिज्ज़ा पसंद है, डू कमेंट डाउन। और शुरू करते हैं, दिखाती हूँ आपको इसके इंग्रेडिएंट्स और फिर फटाफट बना लेते हैं। तो पनीर मखनी पिज्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। 2 कटोरी मैदा, दही, नमक, ऑयल, चीनी, चीज़, प्याज, नींबू, पनीर, पिज़्ज़ा की टॉपिंग, चिल्ली फ्लेक्स, ओरिगेनो, मिक्स हर्ब्स। और पिज़्ज़ा की हम सॉस नहीं यूज़ करने वाले, जो पिज़्ज़ा पास्ता वाली सॉस होती है वो नहीं यूज़ करेंगे। आज हम बनाएंगे वेज मायो से तंदूरी मायो जो बनती है। तो उसके लिए रेड चिल्ली सॉस, वेज मायो और टोमेटो केचप, इन तीनों को मिक्स करके हम बनाएंगे वेज तंदूरी मायो। आज हम ईस्ट नहीं यूज़ कर रहे, क्योंकि कई लोगों के पास ईस्ट नहीं होता तो फिर उनको दिक्कत होती है, तो ईस्ट नहीं यूज़ कर रहे, इसको हम साइड पर रख देते हैं। हम दही से पिज़्ज़ा का डो तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैदा में 1/4 टीस्पून नमक और 1/2 चम्मच पिसी हुई चीनी, 3 चम्मच ऑयल डाला है मैंने, इनको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें दही डाल के इसको गूंद लेते हैं। 3 चम्मच मैंने दही डाल दिया। अब इसको थोड़ा गर्म पानी से डो रेडी कर लेते हैं। डो को हम ऑयल लगा के कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसको हम मलते रहेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हमने इसमें ईस्ट नहीं डाला तो डो हमारा सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आप हाथ से नहीं मल सकते तो आप इसको मिक्सी में, जो हैंड ब्लेंडर होता है, उससे भी कर सकते हो, ताकि ये बहुत सॉफ्ट डो बने। जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा उतना ज़्यादा पिज़्ज़ा हमारा सॉफ्ट बनेगा और फूल फूल के बनेगा। कम से कम 10 मिनट तो ज़रूरी है। ये देख सकते हैं आप, 10 मिनट हो गया मेरे को गूंथते गूंथते। अब इसमें बाउंस भी आ रहा है, बहुत सॉफ्ट हो गया है। अब थोड़ा सा इस पे ऑयल लगाते हैं और इसको हम ढक के कम से कम 3 से 4 घंटे इसको हम रखेंगे ताकि ये फूल जाए। अब एक बोल में ऊपर से थोड़ा हम लगा देते हैं घी और थोड़ा सा दही, और इसको हम ये क्लिंच फाइल, प्लास्टिक शीट जो होती है, इससे कवर करके अब इसको हम कम से कम 3 से 4 घंटे तो हम इसको किसी वार्म प्लेस, गर्म जगह पे रख देते हैं ताकि ये फूल जाए। उसके बाद हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सॉस बनाते हैं। उसके लिए ये वेज मायो मेरे पास, 2 चम्मच के करीब हम डालेंगे इसमें वेज मायो, 1 चम्मच रेड चिल्ली सॉस और 1 चम्मच टोमेटो केचप। इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे पिज़्ज़ा मिक्स। अब ये हमारी सॉस रेडी होगी, इसको साइड पे रखते हैं। पनीर को मैरिनेट कर लेते हैं। तो ये 100 ग्राम पनीर है, इसके पहले हम क्यूब्स काट लेते हैं। पनीर को बोल में डाल देते हैं। अब इसमें ये नींबू है मेरे पास, हम आधे से भी कम नींबू यूज़ करेंगे। पनीर के ऊपर नींबू का जूस डाल देते हैं। नींबू का जूस मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें हम जो पिज़्ज़ा सीजनिंग है ये हम डाल देते हैं, और पिंच ऑफ नमक। अब ये पनीर हमारा टॉस हो गया, इसको भी साइड पे रखते हैं। अब प्याज काट लेते हैं। आप इसमें कोई वेजिटेबल्स वगैरह डालना चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन ये पनीर मखनी पिज़्ज़ा है तो इसलिए मैं सिर्फ पनीर और अनियन डाल रही हूँ। अब 4 घंटे हो गए हैं, आटा देखो कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट।
एक बार फिर से मल लेते हैं और इसको हम शेल्फ पे ही बेल लेंगे। थोड़ा सा पहले मैदा डस्ट कर लेते हैं और इसकी हम शेप बना लेते हैं पिज्जा की। अब ये मेरे पास पिज्जा वाली ट्रे है, इसको हम पहले ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं, थोड़ा सा मैदा डस्ट करते हैं और पिज्जा इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं। अब इसको चाकू से या फोक से थोड़ा सा प्रिक कर लेना है ऐसे। अब इसके ऊपर हम ये जो हमने तंदूरी मायो बनाई है ये स्प्रेड कर देते हैं। सॉस लगाने के बाद इस पे पनीर रखेंगे। अब इसमें प्याज भी लगा देते हैं क्योंकि प्याज से थोड़ा करारापन आता है, इसलिए मैं प्याज डाल रही हूँ। प्याज भी लगा दिए। अब इसके ऊपर पिंच ऑफ सॉल्ट, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने मायो में भी डाला है, पनीर के ऊपर भी डाला है, इसलिए पिंच ऑफ सॉल्ट। रेड चिली फ्लेक्स और अब इस पे फाइनली चीज़। ये मेरे पास ब्रिटानिया की चीज़ है, बहुत सारी चीज़ डाल देते हैं। अब इसके ऊपर हम ये पिज़्ज़ा मिक्स है जो मेरे पास, ये डाल देते हैं और थोड़ी सी सॉस थी मेरे पास जो बची हुई, थोड़ी सी ये मेरे पास सॉस है जो बची, ये भी इसके ऊपर डाल देते हैं। अब इसको हम 250 डिग्री पे 10 से 12 मिनट के लिए बेक करते हैं। अब ओवन हमारा गर्म है, इसमें हम रख देते हैं। ये 250 डिग्री टेम्परेचर सेट करा मैंने और इसको हम 10 से 12 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो 12 से 15 मिनट हो गए हैं, मैं इसको खोल के देखती हूँ, टाइमर ऑलमोस्ट बंद हो गया है तो देखते हैं। देख रहे हो आप रिजल्ट्स? ओह माय गॉड, इसको कहते हैं पिज्ज़ा। इतना बढ़िया, देखने में इतना टेम्प्टिंग लग रहा है। तो अभी इसको हम काटते हैं। देख सकते हैं ना आप कितना अमेजिंग पिज़्ज़ा बना है और क्रस्ट भी एकदम बढ़िया बनी है, बहुत ही पूरा चीज़ बाहर आ रहा है। तो ये बनाया मैंने पनीर मखनी पिज़्ज़ा घर पे, आप भी इसको ट्राई कीजिए, घर पे बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बताना कि आप और क्या देखना चाहते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।